एसएससी से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर रही है। देख रहे होंगे तो लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ऐसी ढेर सारी वैकेंसी निकली है। सिलेबस वगैरह कैसे मिलेगा, इसमें एज क्या होने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि लास्ट डेट, बिगनिंग डेट, सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। इसके लिए हमारे ब्लॉग प्रयागराज.com पर आपको आना पड़ेगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर डेट देख लीजिए तो 1 फरवरी 2022 से आप फॉर्म को भर पाएंगे। लास्ट डेट 7/3/2022 है। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है 7/3/2022 है। एडमिट कार्ड अभी शून्य है। एग्जामिनेशन डेट पेपर वन की मैं बात करूं मई 2022 में होगा, और एग्जाम जो डेट दूसरा पेपर होगा, पेपर सेकेंड, वो शून्य है, क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा इसके लिए आपको हमारे ट्विटर अकाउंट पर आना है, फॉलो कर लेना है, नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर ट्वीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, तो इससे रिलेटेड आंसर मैं आपको दे दूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं फीस की। तो यहाँ पर फीस देखेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए, SC ST वालों को 0 रुपए, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपीज। पेमेंट यदि करना है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा जमा कर पाएंगे। अब मैं यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ आयु की। तो 1/1/2022 से आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 27 वर्ष। SSC इंटरमीडिएट स्तर की जो भर्तियां हैं उनके नियमों के अनुसार आपको आयु में छूट दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PH जनरल को 10 साल, PH OBC को 13 साल, PH SC ST को 15 साल। तो इसीलिए आप चीजों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिल जाएगी। अब मैं पोस्ट की यहीं पर बात कर लेता हूँ। तो पोस्ट अगर आप देखेंगे तो LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पर। दूसरी पोस्ट की बात करूं तो PA मतलब पोर्टल असिस्टेंट का है यहाँ पर, और सॉर्टिंग असिस्टेंट का है पोस्ट। अब लास्ट में तीसरी देखेंगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की DEO की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इस फॉर्म को यदि भरना है तो आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एलिजिबिलिटी की, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मात्र 10+2 की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो और फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, तो वेबसाइट ऑफिशियल ये रहा, एडवर्टीजमेंट ये रहा, और फॉर्म को यहां से भर पाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिला है, यदि जब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो आपके पास लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, कैप्चर कोड को डाल के लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आप भर के रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म को भर लें। यदि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, लिंक सभी वीडियो के नीचे है, आप मैसेज करेंगे, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। अब इसका नोटिफिकेशन देखिए, एडमिट कार्ड एडवर्टीजमेंट जो है, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होके आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, इसको मैंने गूगल ड्राइव पर डाल रखा है, इसको आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देख लीजिए इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, ये पुराना मैटर है, जो कि यदि आप इसका नया एडवर्टीजमेंट अगर यदि आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 फरवरी 2022, तो 1 फरवरी आज है, अभी तक तो खैर वेबसाइट पर नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा तो मैं इसका लेटेस्ट आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन वगैरह आप कर पाएंगे। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है मैंने आपको बता दिया है, इससे कोई जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके क्वेरी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये क्लियर है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।